हेलो गाइस गाइस, आज मैं आप लोगों को जो T20 वर्ल्ड कप का ड्राइंग दिखा रहा था उसी का ही फाइनल पार्ट यानी फोर्थ पार्ट लेके हाजिर हो चुका हूँ। गाइस आप अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। गाइज हम इसमें आज जो ड्राइंग करने वाला हूँ इसमें रेस्ट ऑफ द ड्राइंग मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। इसमें मैं कैमल केक्स वाटर कलर एंड प्रिज्मा कलर पेंसिल गाइज यूज करने वाला हूँ। तो गाइज बिना देर किए आज का ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। और गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पता है ना रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम के बारे में, उस चैनल पे हम लोग इससे भी वेरी इजी बिगिनर फ्रेंडली ड्राइंग, एकदम स्कूल प्रोजेक्ट में जैसा ड्राइंग रहता है, ड्राइंग बुक में जैसा ड्राइंग रहता है, कॉम्पोजिशन वाला ड्राइंग या कॉम्पिटिशन के लिए जैसे आप लोग ड्राइंग डिमांड करते हो या यूट्यूब में सर्च करते हो वैसा ही इजी बिगिनर फ्रेंडली ड्राइंग हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। गाइज ये जो ड्राइंग मैंने आज करने वाला हूँ ये मेरा कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी, उसका बाद मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये देखो गाइज ये आपको एक ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, ये कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और चलिए अभी आपको ये मैं रेस्ट ऑफ द ड्राइंग कलर करके दिखाने वाला हूँ और इस चैनल को गाइज जरूर सब्सक्राइब कर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइंग। गाइज मैंने अभी कोबाल्ट ब्लू कलर को एकदम हल्का करके यूज कर रहा हूँ, इसमें पानी का पोर्शन ज्यादा है, एकदम एज जो बैकग्राउंड का एज है उसमें यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये तो बेसिकली बैकग्राउंड कलर लाइट है तो मैं मास्किंग टेप जब रिमूव करूंगा ना तो ये एज दिखेगा नहीं, तो एज दिखने के लिए व्हाइट और ये ब्लू एज दिखने के लिए मैं इधर लाइट करके कोबाल्ट ब्लू कलर यूज किया। अभी मैं सेम कोबाल्ट ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, इसमें पानी का पोर्शन कम है तो रॉ कलर बेसिकली आप कह सकते हो रॉ डार्क कलर मैं यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं ये जो टाइपो है ये जो वर्ड है इंडिया इसका मैंने लाइन ड्राइंग कर लिया था, देन मैं लाइन को बॉर्डर कर रहा हूँ ये 00 ब्रश से। आपको फर्स्ट कलर को बॉर्डर कर लेना है उसका बाद ही आपको अंदर वाला कलर को फील करना है, फर्स्ट आपको कलर फील नहीं करना है, आपको ध्यान से आउटलाइन में जो बॉर्डर है ना वो उसको फील कर लेना है। तब क्या होगा ना आपको बाहर निकलने का कलर बाहर निकलने का चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। मैं जैसे आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ ना गाइज आप एकदम वैसे ही टेक्निक फॉलो करके आप अगर इस ड्राइंग को प्रैक्टिस करना चाहते हो या घर पे करना चाहते हो कुछ भी कैसे अगर करना चाहते हो तो आपको वैसे ही फॉलो करना है। देखो गाइज मैंने आउटलाइन कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ फटाफट कलर को भर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये वाला करना बहुत आसान हो गया क्योंकि मैंने फर्स्ट क्या किया था आउटलाइन कर लिया था, एजेस को कलर कर लिया था, तो बाहर निकलने का चांसेस मेरा कम हो गया। अब मेरा जो इंडिया वार्ड है ये भी देखो फटाफट कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो फर्स्ट लग रहा है तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। अब मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली ये गाइस मार्कर पेन है, ये ओहूहू मार्कर पेन है, और ये जो कलर पेन यूज़ कर रहा हूँ ये पेस्टल ब्लू कलर है। बेसिकली आप इसे भी कर सकते हो या आप ये कोबाल्ट ब्लू का कलर वाटर कलर से भी कर सकते हो। नाउ मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग का जो नेशनल फ्लैग है उसमें ऊपर वाला कलर तो आपको पता ही है वो तो गेरुआ होता है ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। फ्लैट कलर मैं यूज़ करूँगा अगेन, इसके बाद आपको तो पता ही है मैं इसमें कलर पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ जो सैटिन वाला जो इफेक्ट है डायमेंशन जो है वो सब करने के लिए। फर्स्ट लेयरिंग ऑफ कलर मैं वाटर कलर यूज़ करूँगा, सेकंड लेयर डायमेंशन के लिए मैं कलर पेंसिल इसमें यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग अगर इस पार्ट का इस ड्राइंग का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट देखे हैं तो आपको पता ही है ये पूरा ड्राइंग मैंने कैसे कंप्लीट मैं करते आ रहा हूँ। नाउ मैं शैप ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ गाइस नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें, अगेन इसके बाद भी मैं कलर पेंसिल यूज़ करूँगा। गाइस अगर आपको इससे भी इजी ड्राइंग देखना है तो आपको पता ही है हम लोगों का रंग कैनवास का और एक जो चैनल है इजी चैनल बिगिनर्स फ्रेंडली चैनल रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम, आपको उस चैनल को जरूर 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 फॉलो करना है सब्सक्राइब भी करना है। उस चैनल पे हम लोग वेरी इजी बिगिनर फ्रेंडली ड्राइंग दिखा रहे हैं। अभी ये जो मैं गाइस ग्रे कलर यूज किया है इसमें कुछ कलर है नहीं, बस एक छोटा सा ब्लैक कलर ले लिया उसको पानी से मिक्स करके थोड़ा ग्रे कलर का टोन आ गया, बस वही किया। अगेन इधर में जो मैं स्काई कलर यूज किया ये कोबाल्ट ब्लू कलर है। अब मैं जो कलर यूज कर रहा हूँ गाइस ये सेरुलियन ब्लू ह्यू कलर है। नाउ मैं अभी जो कलर यूज कर रहा हूँ गाइस अंटाबेडिन कलर है। तो स्टेप बाय स्टेप आप
मेरे वॉइस ओवर को फॉलो करो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगेन मैं ग्रे कलर थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स कर दिया, इधर थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू कलर मिक्स कर दिया। अभी वैसे ही करके ये ट्रॉफी जो है ना, इस ट्रॉफी तो एक्चुअली सिल्वर कलर का है क्योंकि ये जो ट्रॉफी मैंने इसमें यूज़ किया, इसमें बहुत सारा रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन के लिए बहुत सारा कलर भी है। तो आपको रिफ्लेक्शन क्या है, येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, तो आपको प्रॉपर उसी तरीके से ये ट्रॉफी का कलर को दिखना है, देखना है कैसे मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक बार बता देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। इवन मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये ट्रॉफी में जो जो कलर मैंने यूज़ किया वो मैंने मेंशन कर दिया। मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया पतला करके ग्रे करने के लिए, देन मैं कोबाल्ट ब्लू कलर यूज़ किया, देन मैंने गैमोजियो यूज़ किया, देन मैंने हल्का करके क्रिम्सन यूज़ किया, थोड़ा सा येलो कलर यूज़ किया, उसके बाद मैंने ब्राउन शाइना यूज़ किया, देन मैं ग्रीन यूज़ किया, ये सब कलर ही मैंने यूज़ किया। आपको प्रॉपर तरीके से दिखना है, आप अगर स्किप करके जाओगे वीडियो को तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे गाइस। ना मैं अब मैं स्कारलेट कलर यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली जो डायमेंशन है वो देने के लिए। एक सैटिन जैसा वो फील आने के लिए मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ, मैं कलर पेंसिल यूज कर रहा हूँ गाइस। हमसे जितना हो पा रहा है मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप प्रॉपरली अगर मेरे वॉइस ओवर को फॉलो नहीं करोगे फिर बाद में बताओगे कि ये उधर मैंने कौन सा कलर यूज़ किया था सर आपने बताओ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आपको मेरे वॉइस ओवर को ध्यान से सुनना है, अगर प्रॉपरली ध्यान से सुनोगे तो आप कुछ ही मेरा कुछ 2-4-5 वीडियो आप प्रॉपर ध्यान से सुनोगे तो आप खुद ही आपको लगेगा कि सर जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, सर का बात हमको सुनना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो मेरा ड्राइंग का फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो आपको मैं बोलूँगा कि मेरा और 2-3-4 वीडियो आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं क्यों डिक्टेट करता हूँ आपको। आप लोगों के भलाई के लिए ही मैं डिक्टेट करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा जूनियर हैंडल किया है, बहुत सारा स्टूडेंट हैंडल किया है मेरे लाइफ में, तो हमने एकदम फिजिकली देखा है कि उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होता है रियल लाइफ में। तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही मैं इस चैनल को स्टार्ट किया, ये चैनल उन वो सब प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ही है। नाउ मैं ग्रे कलर यूज़ कर रहा हूँ और इसके पहले जो कलर यूज़ किया था वो मैंने कोबाल्ट ब्लू पेंसिल यूज़ किया था, अब मैं लाइट ग्रे पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। गाइज ये जो मैंने कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये प्रिज्मा कलर पेंसिल है, इसमें ग्रे का ही आपको 4-5 वेरिएशन मिल जाएगा, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, सॉफ्ट ग्रे, वैसे करके। तो आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ कि लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे, जहाँ पर डार्क कलर हो रहा है उधर डार्क ग्रे। आपके पास अगर प्रिज्मा कलर पेंसिल नहीं है तो डिफरेंट ब्रांड का कलर है तो आप कलर पेंसिल है तो आप यूज़ करके देख सकते हो कि वाटर कलर के ऊपर वो कलर पेंसिल चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि मैं तो नहीं बता पाऊंगा चलेगा कि नहीं चलेगा क्योंकि वो पेंसिल आपके पास कौन सा पेंसिल कौन सा ब्रांड का कलर है वो तो मेरे को नहीं पता है। तो मेरे पास जो है उससे मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो पेंसिल है ये वाटर कलर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चलता है। आपके पास डेफिनेटली अगर दूसरा ब्रांड का कोई पेंसिल होगा तो डेफिनेटली चलेगा, मैं आशा रखता हूँ। अगर आपके पास ये कलर पेंसिल ही नहीं है फिर भी आप ये जो ड्राइंग है ये वाटर कलर से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वाटर कलर से पूरा ड्राइंग कंप्लीट नहीं कर सकते हो। मैंने आपको लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मिक्स मीडिया वाला ड्राइंग है, इसलिए इसके ऊपर मैंने डिफरेंट मीडिया, वाटर कलर एक मीडिया है, कलर पेंसिल एक मीडिया है, ये दो मीडिया यूज़ करके दिखाया। हाँ थोड़ा सा बीच पे मैंने ओ कलर पेन मार्कर यूज़ किया क्योंकि मेरे पास था इसीलिए मैंने यूज़ कर दिया। अगर आप लोग चाहो तो वो वाला इंडिया के पास जो हल्का सा स्काई कलर का जो कलर है वो आप वाटर कलर से भी कर सकते हो या पोस्टर कलर से भी कर सकते हो, कैसे भी करके कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मैं वायलेट कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। गाइज ये डिटेल मैं नीचे दे दूंगा आप, और ये जो इमेज है ये जो पिक्चर्स है ये फ्लैट इमेज आप लोग बहुत डिमांड करते हो, मैंने देखा है ये फ्लैट इमेज डेफिनेटली आपको देखना है, डेफिनेटली फ्लैट इमेज चाहिए मैं मानता हूँ, मगर उससे पहले आपको ये वीडियो को देखना है। आप प्रोसेस में विश्वास करो, अब प्रोसेस अगर देख लोगे कि कैसे कौन सा कलर के बाद मैं कौन सा कलर यूज़ किया तब आपको इजी हो जाएगा। हाँ फ्लैट इमेज डेफिनेटली चाहिए, तो फ्लैट इमेज आपको रंग कैनवास का जो वेबसाइट है उसमें फ्री ड्राइंग है और उसमें जाके आपको ये वाला पूरा स्टेप बाय स्टेप
पार्ट रेफरेंस इमेज, पार्ट वन का जो लाइन ड्राइंग का फ्लैट इमेज हम लोग किया है उसको भी मिल जाएगा, उसके नीचे उसका पार्ट वन का वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद पार्ट टू का फ्लैट इमेज मिल जाएगा, देन पार्ट टू का वीडियो मिल जाएगा, वैसे ही पार्ट थ्री का भी इमेज मिल जाएगा, पार्ट थ्री का वीडियो मिल जाएगा, इवन जो फाइनल पार्ट है इसका भी फ्लैट इमेज मिल जाएगा और इसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो एक जगह हम लोग के वेबसाइट में, हम ये तो हम YouTube में तो नहीं दे सकते एक जगह, क्योंकि YouTube में तो उतना यूज़र फ्रेंडली वैसे हिसाब से नहीं है ये ऐप, मगर हम लोग का वेबसाइट पे आप लोग जाओगे रंक एंड बस के वेबसाइट में, तो आपको ये जो T20 वर्ल्ड कप ड्राइंग है उसमें पूरा ड्रॉप डाउन आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, तो आपके लिए आई थिंक वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग अगर पूरा चीज़ एक जगह दिखना चाहते हो कि इसका फ्लैट इमेज, पार्ट वन का फ्लैट इमेज कहाँ पर है, पार्ट वन का वीडियो कहाँ पर है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर से नीचे पूरा सब कुछ मिल जाएगा। आई थिंक वो ये जो प्रोसेस है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नाउ मैं डिफरेंट कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कलर का मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल, जो ल्यूमोग्राफ पेंसिल है स्टेडलर का, वो यूज़ किया। नाउ मैं जो हाईलाइट है इसके लिए वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ गाइस। इसमें आप चाहो तो वो कैमल का वाइट भी बहुत अच्छा है, ये किक्स वाटर कलर का, ये भी जो मैंने वाइट यूज़ किया ये पोस्टर कैमल एक्रिलिक कलर का ही वाइट यूज़ किया। अभी मैं कोबाल्ट ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ गाइज। मैंने एकदम फर्स्ट पार्ट में दिखाया था ना ये जो रेफरेंस इमेज में, ये बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा ब्रशिंग स्ट्रोक दिया था प्रोक्रिएट ऐप पे, आईपैड पे मेरा, तो उसी को ही मैं मैनुअली जब कर रहा हूँ ये मैं स्ट्रोक देके कोबाल्ट ब्लू कलर और मॉप ब्रश से कर रहा हूँ। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा सर। आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ, यू नो आई नो द एंटायर नेशन इज बिग फैन ऑफ दिस टू लेजेंडरी पीपल्स। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस ड्रॉइंग को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। गाइज ये ड्राइंग मेरा कंप्लीट हो चुका है, आई मीन पूरा कलर कंप्लीट हो चुका है। आप करते हैं मास्किंग टेप, अभी मैं धीरे धीरे मास्किंग टेप को रिमूव कर रहा हूँ, आपको हड़बड़ी इसमें नहीं करना है। देखो गाइज मेरा ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये बेसिकली पोस्टर था, मैं मैनुअली पोस्टर डिजाइन ही आप कह सकते हो मैं मैनुअली करके दिखाया। हम लोग आर्ट कॉलेज में ऐसे ही बहुत सारा पोस्टर किए हैं गाइस। तो गाइस ये देखो ये ड्राइंग कैसा लग रहा है, ये ड्राइंग ये पोस्टर मैंने आप लोगों के लिए खुद से डिजाइन किया था, इवन मैं ये पोस्टर को पोस्टर पेज में मैं पोस्टर जैसा एक बनाया है। ये पेज का साइज तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया था ये पेज का साइज क्या है। ये ड्राइंग कैसा लगा, ये ड्राइंग को गाइस ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। ये ड्राइंग मेरा दिल का बहुत करीब है, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ विराट कोहली सर एंड रोहित शर्मा सर, और इन लोगों ने जो किया है देश के लिए इससे गर्व की बात तो हो ही नहीं सकता है। तो ये वीडियो को गाइस ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि सब लोग ये वीडियो देख पाए, और ऐसा ही वीडियो के लिए रंक कैनवास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। चलिए मिलते हैं और एक नया टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही सलामत रहिए, बाय बाय।